एक तरफ मैं हूँ जो 25 साल से सियासत में हूँ, और एक वो है जो घर में बैठे हैं, सियासत से कोई लेना देना मिलन के सामने ऐसे हालात, वो बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा मामला आएगा तो मैं ठेर के आपको हल करके दूंगी। मैं नहीं होता बोल रहे हूँ, किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, किसी और सियासी मकसद को पूरा करने के लिए वो ठहर रहे हैं। ये हिसाब किताब का काम नहीं है, फैसला हक का होना है, फैसला सच का होना है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारी एक तारीख, हम हक का साथ देने वाले लोग, और दुनिया को हक क्या है और बातिल क्या है इसकी पहचान कराने वाले लोग। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Siyasat, Jamhuri Nizam mein siyasi iktidar ki ek bahut badi seedhi hai. Aur iktidar insaan ki zindagi mein तरक्की का सबसे बड़ा हथियार है, मगर अफसोस मिल्लत को इस जमहूरी निज़ाम के बारे में इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत ही कम फिक्र है, और सियासी इक्तदार की अहमियत को बड़े ही कम आका जाता है। अरे सियासी फैसला ना, अरे जो होने वाला है अल्लाह देखेगा, हमको पालने वाला रब है, बेशक हमको पालने वाला रब है, उसमें कोई तो राय नहीं, मगर जमहूरी निज़ाम में आपको सामाजिक तौर पर एजुकेशनली सोशली आपको डेवलप होना है, क्या ज़रिया है? आपकी आवाज़ असेंबली में जब तक नहीं उठेगी, पार्लियामेंट में नहीं उठेगी, आपके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? आज बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके सामने सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन में जो आपका फैसला होता है, ये फैसला किसी के कहने पर, किसी के रिकमेंडेशन पर, या थोड़े से पैसे लेकर कोई आपके घर पे आया, कोई आपको रिक्वेस्ट करके चला गया, इसलिए अगर आप फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो वोट का अधिकार दिया गया, आपको जो वोट का पावर दिया गया, कहीं ना कहीं आप उस वोट के पावर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, पावर का हक अदा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 70 साल की आज़ादी के बाद आज बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, हज़ारों रिपोर्ट्स हैं जहां पर यह साफ तौर पर बताया गया है कि मुसलमानों की हालत दलित भाइयों से भी बदतर है। ये वो कौम जो हिंदुस्तान में हुकूमत किया करती थी, हुकूमत 800 साल हुकूमत की है, मुसलमान किए हैं ना 800 साल हुकूमत हिंदुस्तान में, इन 70 सालों में हमारी हालत दलितों से भी बदतर हुई है, क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो ये है कि मुसलमान अपनी वोट की अहमियत को, सियासी इक्तदार को, अपने नुमाइंदे कौन होना चाहिए उसकी अहमियत को बड़ी कम आके हैं, इसीलिए आज मुसलमानों की हालत ये हुई है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतने कहने के लिए आया हूँ, कई सालों से मैं समझता हूँ, 25 साल से सियासत में हूँ और 10 साल दो इलेक्शन लड़ चुका हूँ, आपके बीच में हूँ, हर मामले में जब भी महसूस होता है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, यहाँ से बात करने की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि आपके भाई ने कभी आपको नाराज़ नहीं किया है, हर मामले में एक सीने की तड़प लेकर आगे बढ़ा हूँ नहीं बढ़ा हूँ, चाहे नेशनल टीवी पे हो, इंग्लिश चैनल्स पे हो, या रोड पे उतर के ऐसे जांच के ज़रिए मैं बात किया हूँ। आज आपके बीच में इंसाफ के लिए आया हूँ, मैं सारे चीज़ें अपनी तड़प को लेकर के किया हूँ, आज आपसे
इंसाफ के लिए आया। एक तरफ मैं हूं जिसको आपने वो दो इलेक्शन में शिकस्त दी है, और एक तरफ वो है जो जिनको आपने ओढ़ दिया है। एक तरफ मैं हूं जो 25 साल से सियासी जिंदगी में हूं, सियासत में हूं, और एक वो है जो घर में बैठे हुए सियासत से कोई लेना देना नहीं। आज आपको फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी ये फासिस्ट ताकत है, जिस तरीके से मुसलमानों पर, दलितों पर, इस सेकुलर फैब्रिक पर, इस मुल्क के सेकुलर फैब्रिक पर हमले कर रहे हैं। आए 15 दिन 10 दिन के अंदर एक ऐसा इशू आ रहा है जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अब कुछ ही दिनों पहले 4% रिजर्वेशन की बात, 4% रिजर्वेशन कर्नाटक में निकाला गया। किसने निकाला? बीजेपी। कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं क्यों निकाला गया, क्या है। सुबह सुबह आ गए, प्रेस मीट कर दिए, खत्म। कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई गई बैकवर्ड क्लास कमीशन से। और आप कोई कहे, मालूम होना चाहिए आपकी मालूमात, मैं समझता हूँ कि है, पूरे हिंदुस्तान में 4% रिजर्वेशन अगर किसी रियासत में था तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में था। और ये 4% रिजर्वेशन देने का काम किसने किया, किसने किया, कब हुआ है 4% मुसलमान को रिजर्वेशन? देवेगौड़ा साहब के पास मालूम है आपको? नहीं मालूम। बहुत से लोगों को, मुसलमानों को नहीं मालूम कि जो 4% रिजर्वेशन जो दिया गया था ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में दिया गया था, और वो देने वाले हमारे पार्टी के सुप्रीमो HD देवेगौड़ा साहब। इन 5 सालों में बहुत से ऐसे दीगर मामलात आए हैं जहां पर मुसलमानों को कमजोर साबित करने की कोशिश की गई है, मुसलमानों के सीनों में खौफ डाला जाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को ऐसा से कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। हमारे बच्चियों के लिबास तक पहुंच गए, हमारी मस्जिदों के अजान तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए। गुलबर्गा जहां पर एक मिल्ली खयादत का हम लोग अपनी तारीख को याद करके बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि ये वो शहर है जहां पर एक मिल्ली खयादत होती है, हमारी मरकजी मस्जिदों पे कोई स्वामी आकर के ये कहता है कि मैं हनुमान चालीसा लगाऊंगा, मैं माइक निकालूंगा। ईद आपको मनाने के लिए डर का माहौल है, छोटा का एक पुलिस के एक कांस्टेबल भी अगर बाहर निकल रहा है आपके मोहल्लों में, बड़े से बड़े ताजिर को, बड़े से बड़े साहूकार को एक डर। अलग का मामला आपके सामने है, हजरत लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 165 लोग जेल गए, मालूम है ना आपको जेल गए सो? तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, आज मिल्लत के सामने इन फासिस्ट ताकतें मुसलसिल तौर पर हमला कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अहम मरहले में मिल्लत का क्या फैसला होना चाहिए? 25 साल से मैं हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स में, हूँ जिले के लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर मिल्ली मामले में आपकी आवाज़ बनकर, या सोशल मीडिया में हो, नेशनल चैनल्स में हो, बात कर रहा हूँ। और एक तरफ वो हैं जो दोनों बार उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, मालूम है ना? लास्ट टाइम भी बोले मैं नहीं ठहरते, नहीं ठहरते, बोले जगर को जाके तैयार करें। इस बार भी उन्होंने बोले मैं नहीं ठहरती, मेरे हाथ से नहीं होता, आप टिकट जो है वो हमारे
उनका बच्चे का नाम है ना जी, नहीं उनको दे दो, उनको नहीं आता तो अहमदुल इस्लाम को दे दो, जिसको भी दो बेटे कुछ जो बोलने का ज्यादा उनकी, ये आप लोगों के इल्म में है ना, मैं कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा जो आपके इल्म में नहीं है, सब लोगों के इल्म में है। आज फैसला आपको करना है, एक शख्स जिसको आपने मौका नहीं दिया है, जो एक लहरों के खिलाफ अपनी ताकत से ज्यादा एक टीम को लेकर के इन समुद्र के लहरों के खिलाफ तैर रहा है, कभी शिकस्त नहीं मान रहा अभी भी, और एक तरफ वो हैं जिनको सियासी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके बावजूद वोट डाल रहे हैं, मिलत के सामने ऐसे हालात हैं, वो बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा मामला आएगा तो मैं ठहर के आपको हल करके दूंगी, नहीं होता बोल रहे हैं, किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, किसी और सियासी मकसद को पूरा करने के लिए वो ठहर रहे हैं। आपके बीच में इतना ही है, आपके लिए लड़ने वाला चाहिए या किसी के सियासी मजबूरी के तहत तस्कीन देने के लिए वोट डालना, ये मैं आपसे पूछने आया हूं। वोट का हक जो आपको मिला है उसका इस्तेमाल किसके ताईद में करना मुनासिब है, जो आपके लिए लड़ रहा है उसके लिए वोट डालना है, जो सियासत में है सियासत समझता है सियासत बोलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गरीबों के लिए लड़ने की जरूरत रखता है, मिल्लत की आवाज हिंदुस्तान के सतह पर नेशनल चैनल्स में उठाता है, उसको वोट देना चाहिए या उसको वोट देना है जो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन नहीं ठहरना है, 5 साल में इन मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकी, उसके बावजूद आप वोट डालते हैं तो गुनहगार कौन होंगे, कौन होंगे गुनहगार? जो वोट डालते हैं कमजोर खयादत को वो गुनहगार। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, रमजान का ये मुबारक महीना, मुझे पूरी उम्मीद है ईमान का दर्जा बुलंद होता है, रोजे की हालत में, जिक्र वस्कार की हालत में, नमाज की हालत में आपका ईमान का दर्जा बुलंद होता है, और आप अपने सीने में जो ईमान है उसको टटोलिए। हम लोग मुसलमान हैं और हमारी एक तारीख है, हम हक का साथ देने वाले लोग हैं, और दुनिया को हक क्या है और बातिल क्या है इसकी पहचान कराने वाले लोग आज इस सियासत को, इस इलेक्शन को लोग पेपर पर लेके बैठे हुए हैं, हिसाब किताब करते हैं, तिजारत कर रहे हैं, मुनाफा और नुकसान कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इतने वोट इनके, इतने वोट इनके, इतने वोट इनके, क्या होता है इनको डाले तो जीतते हैं कि इतने को डाले तो जीतते हैं कि, ये हिसाब किताब का काम नहीं है, फैसला हक का होना है, फैसला सच का होना है, हक का होना है, सच का होना है। कोई गरीब को अगर अमीर मार दिया और फैसले के लिए आए, अगर फैसला आप करते बैठे हुए तो आप क्या सोचेंगे, गरीब को अगर मैं साथ दूंगा फैसला करूंगा तो कोई काम का नहीं, अमीर काम आता बोल के अमीर के तहत फैसला कर सकता क्या, मुसलमान कर सकता क्या, हक का फैसला करना, अमीर गलत है तो तू गलत, गरीब सही है तो तू सही। मैं आपसे पूछता हूं, एक गैर मुसलमान और मुसलमान का अगर कोई अगर डिफरेंस आता है, कोई अगर डिस्प्यूट आता है, अगर आपके पास मुसलमान के पास फैसला करने के लिए आता है तो क्या फैसला करता हो, क्या फैसला करता है, जो हक का है वही करेगा ना, ऐसे हजारों वाक्य हैं
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है खुल्फाए राशिदीन के दौर में भी हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र इस बात की है कि मुसलमानों ने जब भी फैसला किया है मज़हब को नहीं देखा है, हक को देख के फैसला किया है। हम वो तारीफ, आज ईमान का दर्जा आपका बुलंद है, आपको फैसला हक का करना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीत हो सकती क्या बोलो? अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम दो तिहाई दुनिया पर फतेह नहीं करती, रोम और फारिस जैसे सुपर पावर के खिलाफ भी फतेह नहीं कर सकती, ये हक। तो मेरे भाइयों से आपसे मैं इतना ही दरख्वास्त करने आया हूँ कि इंसाफ कीजिए, मिल्लत के साथ भी इंसाफ कीजिए, जो मुसलसल एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही है। और आपका भाई हूं मैं, मेरे साथ भी इंसाफ कीजिए। शुक्रिया, सलाम।